मंगलवार को प्रारंभ हुए पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 5 साल में जो काम किया है उससे नक्सलवाद काफी हद तक पीछे हट गया है। उसी का नतीजा है कि गांव के अंदर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लोग अपने गांव में ही वोट करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलवाद पीछे हट गया है, इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भारी मतदान की उम्मीद है। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के लिए चुनावी गारंटी पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में इन सभी का उल्लेख है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा आम लोगों के कल्याण के लिए खड़ी रही है। 5 साल जो हम लोग काम किए हैं उसे नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है, और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे अब अंदरूनी जो गांव है वहां मतदान केंद्र खोले गए हैं। अपने ही गांव में लोग अब मतदान करेंगे, तो इस समय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहां ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की संभावना है। कांग्रेस ने आपसे वादा किया है कि फिर से कर्ज माफी करेंगे, 3200 रूपया क्विंटल में धान खरीदी की जाएगी, 6000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता और 4000 वार्षिक आपको बोनस दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में कोई शुल्क नहीं लगेगा, केजी टू पीजी पहली कक्षा से लेके अब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको पढ़ाई में कोई खर्च नहीं होगा। उसी प्रकार से 35 किलो राशन सभी परिवार को मिलेगा, चाहे एपीएल हो बीपीएल हो, 500 रूपया गैस सिलेंडर, जितने भी जिसके पास भी गैस कनेक्शन है चाहे उज्ज्वला हो या दूसरे, सबको उसका लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल, उसे 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है, और दुर्घटना में पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक की बिजली जलाने पर कोई बिल नहीं आएगा, मतलब 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त। तो ये सारी योजनाएं हैं जो आपके लिए है। अंत्येष्टि के लिए अब चाहे कंडा हो चाहे लकड़ी हो वो राज्य सरकार उठाएगी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये सारी बातें शामिल है, और जितने भी महिला स्व सहायता समूह है, सक्षम योजना है, उसका भी ऋण माफ होगा। जो मोटरयान कर है जिसमें 726 करोड़ रुपया बकाया है उसे भी माफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आम जनता के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है, और कांग्रेस को ही आपका आशीर्वाद मिले, आपका वोट मिले, ये अपील।